हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जमील कलेक्शन पर। मैं हूं एखाद। अगर आपने अब तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिए। चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज मैं आया हूँ शफी भाई के शॉप पर। सबसे पहले शॉप का नाम देख सकते हैं, मोहम्मद शफी हैदराबाद। ऑल एनिमल फीड है यहाँ पर, जहाँ पर होलसेल और रिटेल में सारा कुछ आपको मिल जाएगा। शफी भाई का कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर आ रहा है 8919026047। तो दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, शफी भाई आज यहाँ पर बकरों की चौकियाँ दिखा रहे हैं, तखत दिखा रहे हैं। चौकी तो नहीं कह सकते, तखत ही कहना इसे बेहतर होगा, क्योंकि बहुत बड़े साइज़ का आ रहा है। लेंथ और विड्थ काफ़ी ज़्यादा आ रही है। 100 किलो 100 से ज़्यादा किलो का जो बकरा होगा आराम से इस पर ठहर और बैठ सकता है। वहीं पर बकरियों के लिए अगर बात की जाए तो अगर दो तखत आप जॉइंट कर देते हैं, बाजू बाजू लगा देते हैं, तो तीन बकरियां दो तखत पे आराम से उठ बैठ सकती है, चल फिर सकती है। उतने बड़े तखत ये आ रहे हैं शफी भाई के पास। लेंथ और विड्थ काफ़ी ज़्यादा है। चौकी की क्वालिटी भी दिखाने की कोशिश करूँगा। बिल्ट इन क्वालिटी काफ़ी अच्छी आ रही है। जगह जगह पर बराबर कीले पड़े हुए हैं और बीच में जिस तरीके का गैप आना चाहिए वेस्टेज सारा कुछ निकलने के लिए, गैप भी अच्छे से आया हुआ है। देख सकते हैं आप, यूरिन वगैरह अच्छे से पास हो जाएगा, पैर बिल्कुल सलामत रहेंगे, गंदगी वगैरह कम से कम लगने के चांसेस है, बिल्कुल नहीं लगेंगे। तो असल जो तखत या चौकी का यूज़ होता है बकरों के पैरों के नीचे रखते हैं, उसका काफ़ी अच्छा यूज़ हो जाएगा। तो शफी भाई, इस चौकी की लेंथ और विड्थ कितनी आ रही है? ये विड्थ जो है जी 3.25 है, 3 फीट 3 इंच है। 3 फीट 3 इंच आ रही है। हाइट जो है, हाइट 4 फीट 4 इंच। तो 3 फीट 3 इंच और 4 फीट 3 इंच। जैसे मैंने कहा था, काफ़ी बड़ा साइज़ आ रहा है इसका। लेंथ और विड्थ काफ़ी अच्छी आ रही है। तो लेंथ देख सकते हैं आप, 4 फीट 3 इंच इसकी लंबान आ रही है। वहीं पे चकलान की बात की जाए तो 3 फीट 3 इंच इसकी चकलान आ रही है। थिकनेस भी दिखाने की कोशिश करूँगा। साइड से मैंने जैसे बिल्ट इन क्वालिटी की बात की थी, काफ़ी मोटे मोटे यहाँ पर ये लगे हुए हैं लकड़ी के टुकड़े, जिस पर भारी से भारी भी अगर जानवर ठहरता है तो टूटने करने के चांसेस बहुत कम है। चौकी की लाइफ काफ़ी ज़्यादा होगी। पीछे से भी किस तरीके से बनावट है इसकी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत प्यारी तरीके से इसे चौकी को बनाया गया है। देख सकते हैं आप, जगह जगह पे इस तरह के मोटे टुकड़े लगाए हुए हैं। वहीं ऊपर से बैलेंस अच्छे से करने के लिए यहाँ पर ये सारा कुछ पट्टी भी नीचे से लगाई हुई है। तो ओवरऑल बिल्ड इन क्वालिटी काफ़ी अच्छी है चौकी की, काफ़ी अच्छी लग रही है। साइज़ में काफ़ी बड़ी है और जैसे मैंने कहा है, एक बड़ा 100 किलो के ऊपर का बकरा आराम से इस चौकी पर बैठ सकता है, ठहर सकता है। वहीं पर अगर बकरियों की बात की जाए तो अगर दो चौकियाँ मिला देते हैं तो 3 बकरियों को आराम से लाइन से बन सकते हैं दो चौकियों पर। तो इतनी प्यारी क्वालिटी के ये चौकियाँ आ रहे हैं। साइज़ भी माशाल्लाह मैंने आपको लेंथ और विड्थ बता दी है, साइज़ और क्वालिटी सारा कुछ तो मैंने आप सबको बता दिया है। वहीं मेन बात जो आती है प्राइस, तो 700 रुपये एक तखत का प्राइस यहाँ पे शफी भाई उम्मीद कर रहे हैं। और कोई क्वांटिटी में लेता है तो उसमें भी गुंजाइश अच्छी खासी हो जाएगी। तो आप में से जो कोई भी इंटरेस्टेड है, एक बार ज़रूर शफी भाई से कॉन्टैक्ट कर लीजिए। कितनी क्वांटिटी में माल है वो भी दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप, लाइन से लगे हुए हैं नीचे से ऊपर तक। देख सकते हैं आप, इन तख्तों की कमी नहीं है शफी भाई के पास। यहाँ से भी क्वांटिटी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। काफ़ी तादाद में शफी भाई के पास ये तख्त रेडी है। 700 रुपये एक तख्त के लिए शफी भाई उम्मीद कर रहे हैं। अगर कोई क्वांटिटी में लेता है तो उसमें भी गुंजाइश हो जाएगी। तो आप में से जो कोई भी इंटरेस्टेड है, एक बार ज़रूर शफी भाई से कॉन्टैक्ट कर लीजिए। शफी भाई के तख्त तो मैंने आपको दिखाई दिए हैं, साथ ही साथ शफी भाई के पास यहाँ पर बेल्ट और चैन्स के भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन होता है। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको दिखाने की कोशिश की थी, इस वीडियो में भी दिखा रहा हूँ। अलग अलग किस्म के आपको यहाँ पर रस्सी और बेल्ट काफ़ी तादाद में मिल जाएंगे, साथ ही साथ चैन भी है आपको। यहाँ पर शफी भाई के पास खुर कटिंग के लिए ब्लेड भी अवेलेबल होती है। वहीं अगर बाल काटने की मशीन की बात की जाए तो शफी भाई के पास वो भी अवेलेबल होती है। तो शफी भाई, आप आज भी यहाँ पर बकरों के बाल काटते हैं दुकान पर? जी हाँ, दुकान पर। तो एक बकरे के बाल काटने के क्या लेते हैं शफी भाई, आप चार्जेस क्या हैं? इसके ऊपर डिपेंड करता है, 300, 400, 500, 600। 300, 400, 500 साइज़ के हिसाब में, और बकरा है, मेंढा है, बाल के हिसाब में आप चार्ज करेंगे। बिल्कुल। तो ये शफी भाई की पर्सनल ब्लेड है, देख सकते हैं आप। इस मशीन से शफी भाई यहाँ पर बकरों के बाल निकालते हैं। वहीं खुर कटिंग की बात की जाए तो खुर भी कट कर देंगे ना शफी भाई? तो ये सारी सर्विस आपको शॉप पर मिल जाएगी, शॉप पर आना होगा। तो शॉप का लोकेशन बताइए आपके। MM पहाड़ी पिंगरो फंक्शनल अपोजिट चिंतलमेट।
चिंतलमेट पे एमएम पहाड़ी पिंक रोज फंक्शन हॉल के अपोजिट है। अगर आप मेहदीपट्टनम से आ रहे हैं तो पिलर नंबर 177 से आना होगा। अगर आप किशनबाग से आ रहे हैं तो 9 नंबर रोड से आना होगा। बराबर शफी भाई जी? हो बहादुरपुर से होते हुए आना होगा। तो आपकी टाइमिंग क्या है शॉप की वो बता दीजिए। 9 बजे से जो है शाम में 8 बजे तक, सुबह 9 बजे से रात के 8 बजे तक आपकी शॉप 1 घंटा बंद रहती है लंच टाइम में, 1 घंटा दोपहर में बंद रहेगा। तो सारा कुछ तो मैंने बता दिया है, यहाँ पे अच्छे से बेल्ट मिलेंगे आपके पास, रस्सियाँ वगैरह सारे कुछ मिलेंगे। उसके साथ साथ आपकी पर्सनल मशीन भी है जिससे आप बकरों के बाल निकालते हैं। खुर कटिंग की फैसिलिटी भी आपके पास, अगर कोई खुर कटिंग की ब्लेड लेना चाहते हैं तो वो भी आपके पास अवेलेबल है। आपके बाहर चौकियाँ भी मैंने दिखा दिए हैं। एक चौकी के लिए आप कितना उम्मीद कर रहे हैं शफी भाई? 700 रुपये प्राइस है। 700 रुपये उम्मीद कर रहे हैं, साथ ही साथ अगर कोई क्वांटिटी में लेता है तो उसमें भी गुंजाइश हो जाएगी। और काफ़ी मजबूत है? नहीं, वो तो क्वालिटी बिल्डिंग क्वालिटी जो है मैंने बता दिया है अच्छे से। जानवर इस चौकी पर ठहरा करना पर जो है जानवर ख़राब नहीं होगा। सर्दी का जो है बरसात का मौसम है, चौकी पर ठहरा करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, बरसात का मौसम हो या कोई भी मौसम हो, जो पैरों की खुरों की बीमारी होती है वो नॉर्मली चौकी पे ठहराने से नहीं होती है, क्योंकि यूरिन वगैरह अच्छे से नीचे से पास हो जाता है, तकरीबन मेंगियाँ भी निकल जाते हैं। और मैंने आपकी चौकी की बिल्ट इन क्वालिटी भी बताई है, काफ़ी मजबूत है, नीचे से बड़े बड़े चकले लगे हुए हैं, डिज़ाइन भी उसका इस तरीके से है कि हैवी से हैवी गोट भी आराम से ठहर सकते हैं उस पर। और कुछ कहना चाहेंगे शफी भाई? ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।